सीताराम येचुरी का जो निधन हुआ ये हमारा पार्टी के लिए, वामपंथी आंदोलन के लिए और जनवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो भारत का जन आंदोलन का एक जाने माने नेता थे और भारत का संविधान, जनतंत्र और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता थे। एक बहुत मजबूत आवाज था सीताराम येचुरी, हर जुलूम, हर अन्याय और हर गलत के खिलाफ डेमोक्रेसी के पक्ष में आवाज उठाने वाला एक बड़ा हमारे नेता थे। बहुत दुखद बात है, वो उसका निमोनिया हुआ था, अस्पताल एम्स में एडमिशन हुआ था। ही फॉट फॉर हिज लाइफ अबाउट फॉर मोर देन 10 डेज, 10 दिन के ज्यादा। आज कुछ देर पहले उसका देहांत हो गया। हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है और हम उसको कैसे उसको क्षतिपूर्ति करेंगे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसको जो कार्यक्रम होगा उसका क्रिमेशन का आखिरी कार्यक्रम ये हमारा पॉलिटब्यूरो मीटिंग होगा, थोड़े दिन में हो रहा है, वहां से अनाउंस किया जाएगा कब उसको बॉडी लाया जाएगा, कहां से कब क्रिमेशन होगा, डिटेल्स पॉलिटब्यूरो अनाउंस करेगा। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था, और उनकी कमी ना केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। वो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से दृढ़ थे, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब उन्हें नहीं आता था। एक शानदार वक्ता, एक शानदार सांसद और एक बहुत ही शानदार इंसान। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। सीताराम जी, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे।